तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? यार रेडमी 5 प्लस बिजनेस का सेट और इसके एमएमसी को हम रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, एमएमसी रिप्लेस करने के लिए एमएमसी को हम मदरबोर्ड से बाहर निकालेंगे, और मदरबोर्ड से बाहर निकालते वक्त कुछ बातों को विशेष तरह से ध्यान रखना है। आपको हीट को प्रॉपर मेंटेन रखना है और एमएमसी को एक बार हिला कर टेस्ट करना है। जब एमएमसी आपको हिलने लगे मदरबोर्ड से, तब आपको एमएमसी को बाहर उठाना है। उसके बाद एक कंपेटेबल एमएमसी ले लेना है और यूफाई सॉकेट में कनेक्ट करा लेना है। यदि आपको नहीं पता कि कंपेटेबल एमएमसी कैसे ढूंढते हैं, तो एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यूएफआई में कनेक्ट करा के हम यूएफआई बॉक्स को ओपन करते हैं या अपने डेस्कटॉप की ओर चलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करा लेना है और आइडेंटिफाई करा कर चेक करना है। देख सकते हैं रेडमी 3S का फोन है और इसके हेल्थ रिपोर्ट को भी चेक करेंगे। आप हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर से रेज करा लेंगे इस एमएमसी को। जैसे ही हमारी एमएमसी रेज होती है, इसको फैक्ट्री रिसेट करेंगे। फैक्ट्री रिसेट करके अब एक बार फिर इसको आइडेंटिफाई कराएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो RPM भी है, उसका RPM भी क्लीन नहीं है, तो इससे यहाँ पे हम इसके RPM भी को क्लीन कर लेंगे। इसको आइडेंटिफाई कराएंगे और आइडेंटिफाई करा के चेक करेंगे कि हमारा RPM क्लीन हुआ कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं RPM भी क्लीन हो चुका है, और जैसे ही RPM भी क्लीन होता है, हम इसमें रेडमी 5 प्लस विनस का टर्म डालेंगे। HTC ID, उसके बाद सपोर्ट हमारा बूट पर बूट टू राइट कर जब डंप इसमें राइट हो जाएगा, तब इसमें फैक्ट्री में जाकर हम इसके क्वालकॉम वेंडर को सिलेक्ट करके इसमें इंजीनियरिंग फाइल को फ्लैश करेंगे। इंजीनियरिंग क्योंकि एमसी चेंज करने के बाद इंजीनियरिंग फाइल को डालना अनिवार्य होता है। H0 और राइट कर देंगे। दोस्तों, जो पुरानी MMC थी Redmi 5 Plus Venus की, उससे हम डंप और फ्रिकोटे बैकअप निकाल लिया था, और आप भी पुराने MMC से डंप और फ्रिकोटे बैकअप को निकाल कर रख लें। यहाँ पे हम केवल इंजीनियरिंग फाइल को ही फ्लैश करेंगे, सिक्योरिटी फाइल को MMT से फ्लैश करेंगे। हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेंगे एक बार। आप देख सकते हैं हेल्थ रिपोर्ट बिल्कुल सही आ गया इसका। अब हम अपने MMC को निकाल कर हम मदरबोर्ड में फिक्स करेंगे।
से ही आपको लगने लगे कि इसके आसपास के कंपोनेंट हिलने लगे हैं, हम UMC को एक बार हिलाकर फाइनल टेस्ट कर लेंगे कि हमारी UMC सही तरह से बैठी है कि नहीं, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडे होने के बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे। दोस्तों UMC लगाने के तुरंत बाद आप इस पे किसी भी प्रकार के थिनर का उपयोग ना करें, इसको ठंडा होने दें अन्यथा आपकी UMC टूट जाएगी। अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद आपको इस UMC को इस बोर्ड को निकाल कर यहाँ पे बिठा लेना है, इसी साइड में बिठा लेना है, बिठा कर फोन को स्टार्ट करना है। अब देख सकते हैं कि हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है। देखेंगे क्या हमारा फोन सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं, बूट तो नहीं होता है कहीं। वैसे तो इंजीनियर फाइल स्टार्ट हो चुकी है वर्क करना। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका इंजीनियर फाइल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाके इंजीनियर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।